हाय गाइस, हरर महादेव, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो गाइस, ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फुल लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको आपने याद करना है, या फिर जो आपके इष्ट देव हैं आप उनको याद करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, पेज ऑफ कप्स। We have Three of Swords, Ace of Swords, the High Priestess. यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्स, वी हैव टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द मून एनर्जी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। करंट एनर्जीज गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज। हरर महादेव, एस ऑफ कप्स, नाइस। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है गाइस? मुझे लगता है एक तो काफ़ी इनमेच्योर सी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई देती है, उसी के साथ एक इनमेच्योर एनर्जी के साथ ही मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कई सारे ऑप्शंस भी रखते थे। ठीक है, क्योंकि एक इनमेच्योर एनर्जी है प्लस कप्स में है, सो आई फील कि इनकी एक हैबिट रहती है कि हर किसी से बात करना। जैसे मान लें लड़के के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर इनके पास किसी लड़की का मैसेज आता है तो ये उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये उसको ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, या मैं यू नो किसी के साथ कमिटेड हूँ। नहीं, जस्ट ये बहुत सिंगल, जैसे कि मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लाइक दिस। ये ऐसे बात करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, 10 लड़कियों के मैसेज आ जाएँ तो 10 लड़कियों से बात करेंगे। सेम अगर ये गर्ल है, अगर आप किसी लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हो, फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो भी मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि वो थोड़ी ऐसी इनमेच्योर सी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि ये इतने ज़्यादा चीज़ों को बहुत फन वे में ले रहे थे, इतने ज़्यादा चीज़ों की तरफ सीरियस नहीं थे, चीज़ों को लेकर के सीरियस नहीं थे, रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं थे, इन्होंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया हुआ था। औरों के साथ भी इनकी बातचीत होती रहती थी, ये मुझे दिखाई देते हैं। मन एक जगह पर नहीं था, मन शांत नहीं था, कभी उधर कभी उधर कभी उधर ऑप्शंस में खेलना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती, क्योंकि एक इनमेच्योर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, वो टीनेज वाली एनर्जी जहाँ पर वो मन रुक नहीं रहा है एक जगह पर, बस कभी उधर भग रहा है कभी उधर भग रहा है। ओके, वो एक मैच्योर वाली एनर्जी नहीं है, बट करंटली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए काफ़ी सारे इमोशंस को फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताते हैं कि इमोशंस
बहुत ज़्यादा आ जाना, ठीक है? तो मुझे अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन एक इमोशनल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस बेशक हों, या औरों से बात बेशक करते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के साथ सुकून मिलता है, तो वो सुकून आप ही के साथ मिलता है इनको। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, ठीक है? सो एस ऑफ कप्स क्योंकि न्यू बिगिनिंग को भी बताते हैं, प्लस एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि अभी अगर मैं लेट नाइट एनर्जीज को देखूं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है? आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके साथ बिताया वक्त भी याद है। एस ऑफ कप्स मतलब सब कुछ, एक इमोशनल एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत इमोशनली सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नेक्स्ट, कैन यू इस थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए? द हायरोफेंट, यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बताती है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, और वो भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की, हर्ट भी आपको किया, चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हार्ट ब्रेक करना, दिल दुखाना, झूठ बोल के, चीट करके, लेकिन यहाँ पर दिल दुखाया गया है, ये मुझे दिखाई देता है। करंटली मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं भाई, वो इस रिश्ते के लिए सीरियस हो रहे हैं और इस रिश्ते के लिए सोच भी रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रे भी कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए कि रिश्ता बेटर हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो गड़बड़ हुई हैं आपके रिश्ते में। बट मुझे यहाँ पर आपके पर्सन प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी यही बताती है कि आपके पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं। प्लस मुझे ये भी दिखाई देता है कि फैमिली इश्यूज़ भी इस कनेक्शन में हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी फैमिली जो है इस कनेक्शन के अगेंस्ट है, और या फिर वो लव मैरिज के अगेंस्ट है, लाइक यू नो उनका कुछ ऐसा है कि उनको अपनी कास्ट में शादी करनी है, या फिर कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते ये रिलेशनशिप में शादी मुमकिन नहीं है, या शादी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सो फैमिली पूरी तरीके से मतलब एग्री नहीं कर रही है, फैमिली बिल्कुल मना कर चुकी है, या फिर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, ये दिखाई देता है। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कहीं ना कहीं, पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपका दिल दुखाया, एंड करंटली दिखाई देता है कि वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, सृष्टि के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है? कि उन्होंने दिल तो दुखा दिया, कहीं ना कहीं अनजाने में या एक इनमेच्योरिटी में वो दिल नहीं दुखाना चाह रहे थे, बट हो गया उनसे, ठीक है? दूसरा, वो खुद भी मुझे लग रहा है कि हर्ट है, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे बिकॉज उनकी फैमिली इश्यूज़ है। सो मुझे दिखाई देता है कि वो प्रे इस रिलेशनशिप में दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं, पहली कि आप दोनों के बीच में जो इशू हुए हैं वो सॉल्व हो जाए, दूसरी कि फैमिली मान जाए, ठीक है? तो दोनों चीज़ों के लिए प्रे करते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टॉरस मुझे दिखाई देते हैं, टॉरस साइन, ये वृषभ राशि या आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। टेम्परेंस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है हो सकता है आपने इस कनेक्शन के लिए शायद चीज़ें एफर्ट डाले थे, आपने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की थी, रिश्ते में जो है चीज़ों को बेटर करने की भी कोशिश की थी, बट आई थिंक उस टाइम पर आपके पर्सन का माइंडसेट कुछ ऐसा था कि ना तो वो कुछ सुनने को तैयार थे, ना वो कुछ समझने को तैयार थे। आप उनसे बात करना चाह रहे थे, मे बी लास्ट टाइम आप उनसे क्लियर बात करना चाह रहे थे, या आप उनसे मिलना चाह रहे थे, जो भी था, बट मुझे दिखाई देते कि आप चाह रहे थे अपनी तरफ से कि मुझे बात करनी है करके। सो
लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि शायद उन्होंने वो बात नहीं की, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया हो कि मुझे नहीं करनी है बात, या क्लियरली उनका ये रहा कि मुझे नहीं रहना रिश्ते में, मतलब बहुत क्लियरली कुछ बहुत तीखा उन्होंने हो सकता है आपको बोला हो, या बहुत क्लियर आपको बोला हो उन्होंने कि नहीं रहना, ये रिश्ता ख़त्म करना है, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी और आपने उनको पकड़ा, या आपने उनको लाइक थर्ड पार्टी के बारे में जैसे आपको पता चला, वैसे आपने डायरेक्टली जब उनको बोली वो चीज़, सो कहीं ना कहीं उन्होंने एग्रेशन में आके शायद आपको ये बोल दिया कि ठीक है तुम्हें नहीं रहना तो मत रहो। मे भी कुछ ऐसा रहा है कि कुछ बातचीत ऐसी रही है, या कुछ उन्होंने ऐसा बोला, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग रहा है, या फिर मैं कहूँ कि एक होता है ना कि भाई वो इंसान क्लियर कर चुका है पास्ट में कि नहीं रहना है साथ में, या वो क्लियर कर चुका है कि मुझे कोई प्यार नहीं है एंड ऑल, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर करंटली दिखाई देता है टेम्परेंस की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे, वो भी इमोशनली, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी इमोशंस एक्सचेंज को भी बताती है। अब देखो वाटर देखो कैसे एक दूसरे में मिल रहा है, इधर का उधर, इधर का उधर, सो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। बिकॉज वो जो खुशी थी ना, वो खुशी कहीं इनकी गायब है, वो सुकून कहीं गायब है, क्योंकि टेम्परेंस में एक सुकून भी होता है, सुकून गायब है और वो कहीं ना कहीं आप ही के पास और आपके पास आकर के ही इनको मिलेगा। आपके साथ चीज़ों को बैलेंस ही करना चाहते, करंटली एक बैलेंस वाली एनर्जी दिखाई देती कि आपके पर्सन पहले खुद की लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं, देन ये रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ही उनको सुकून मिलता है, आपके साथ रह कर के ही वो काफ़ी उनका माइंड एंड उनकी सोल बहुत पीसफुल एनर्जी में रहती है, अदरवाइज उनका मन कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है, ऐसा उनके साथ रहता है, ठीक है। सो आप उनका सुकून हो ये कह सकते हैं। एंड यहाँ पर है सैजिटेरियस धनु राशि। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी हम क्लैरिफाई करेंगे अभी, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन ने चीज़ों को हाइड किया है इन पास्ट। पास्ट में मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड किया है, चीज़ों को छुपाना, बातें छुपाना, फीलिंग्स छुपाना, इमोशंस को छुपाना। एक पर्सन जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव था, या एक टाइम पर एक पर्सन ऐसा जो कि अपनी दिल की बातों को खुल के सामने रखता था, या कोई भी प्रॉब्लम होती कोई भी बात होती तो सबसे पहले आपको आकर के शेयर करता, लेकिन एक ऐसा टाइम आना कि जहाँ उसने मतलब कुछ भी बताना बंद कर दिया, आप उससे बहुत ज़्यादा पूछते तो वो कुछ थोड़ा बताता वरना नहीं बताता, सो वो हाइड करने वाला, और आपको भी फील होने लगा कि मेरे से बातें छुपाने लगा है या लगी है, अब मुझे उतना नहीं बताती, उतना बातें नहीं करती, उतनी शेयर नहीं करती, जैसे पहले हर चीज़ शेयर किया करते थे अब वैसे नहीं करते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रही है पास्ट में, सो एक चीज़ों को हाइड करने वाली एनर्जी आपके पर्सन की पास्ट में रही है। प्रेजेंट में मुझे दिखाई देता है कि अभी आपके पर्सन ना चीज़ें जो भी ख़राब हुई, जो भी आप दोनों के बीच में बॉन्ड ख़राब हुआ, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि ये जो इनका बिहेवियर रहा है ना, बातों को छुपाना, इमोशंस को छुपाना, चीज़ों को छुपाना, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी उसमें एक तो बहुत बड़ा उसमें परेशानी आई, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पते कब बनती, पहली चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, दूसरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग एक बनती है क्लियरिटी से, कि जब दोनों पार्टनर्स के बीच में हर चीज़ क्लियर है और दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक है, एनर्जी और इमोशंस एक्सचेंज है, सो कहीं ना कहीं वहाँ अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाती है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनती है।
लेकिन जहाँ कोई एक पर्सन चीज़ों को हाइड करने लग जाए, फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करने लग जाए, वहीं वो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाती है। तो आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग भी बिगड़ी, वो अंडरस्टैंडिंग भी ख़राब हुई, और उन सब चीज़ों के लिए भी करंटली आपके पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जब ये सोचते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, तो इनको समझ में भी आ रहा है कि आज मैं जिस कंडीशन से गुजर रहा हूँ या आज मैं जिस तरीके की हालातों से गुजर रहा हूँ, ये जो टेंशन, ये जो रिलेशनशिप पे जो प्रॉब्लम होगी, हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम होगी, जो अंडरस्टैंडिंग चली गई है, रिलेशनशिप का जो बैलेंस खो गया, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि इनके ही कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ शुरू हुई, लाइक इनके जो बातों को छुपाने वाली एनर्जी की वजह से। तो खुद को रिस्पॉन्सिबल वो मान रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, ये मुझे दिखाई देते। हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिखाई देते। सेकेंड, अपनी लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो ये था कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जो इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार था, जो इनकी परेशानियों को सुनने के लिए तैयार था, और आज के टाइम, मतलब अब जो इनकी कंडीशन चल रही है, वो कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है कि ना तो कोई सुनने को इनकी तैयार है, अब ये ढूंढ रहे। पहले ना आप बोलते थे बताओ क्या दिक्कत है, अब कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं है कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं वो फील होता है इनको कि आप उनको पूछ रहे थे, आप उनको उनके लिए टेंशन ले रहे थे, तब तो इन्होंने कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन अब इनको लगता है कि कोई होता मेरी लाइफ में जिसके साथ मैं चीज़ों को शेयर कर पाता और थोड़ा मेरा बर्डन कम होता। कहते हैं ना, जब हम चीज़ों को शेयर कर देते हैं, हमारा मन, हमारा दिल भारी हो, हम किसी को बात बता दें तो थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। बट अभी इनको कोई ऐसा पर्सन भी नहीं मिल रहा जिससे कि अपने दिल की बातें कर सके या अपने दिल की बातें कह सके। टाइम टाइम की बात है भाई, टाइम होता है तो प्यार मिलता है, टाइम है तो इज्जत मिलती है। अगर उस टाइम चीज़ों की कदर नहीं की तो वो टाइम भी जाएगा, और जब टाइम ख़राब आएगा तो वो चीज़ें आपकी कदर नहीं करेंगी। और सेम वही मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। यहाँ पर पाइसेस मीन राशि मुझे दिखाई देती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये पर्सन ना पास्ट में काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी थी भाई इस पर्सन के, लाइक यू नो, काफ़ी कॉन्फिडेंस में पर्सन रहता था, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखाई देती है। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, लाइक यू नो, इन लुक वाइज एंड इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एक अट्रैक्शन है इनके अंदर इतनी स्ट्रांग वाली, ठीक है। दूसरा, इनका कॉन्फिडेंस, इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत रहा है, ये भी मुझे दिखाई देता है कि कॉन्फिडेंट ये बहुत रहे हैं। बट अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि करंटली ना इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जो पास्ट में ये पर्सन जितने कॉन्फिडेंस में थे, अभी उतने कॉन्फिडेंस में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना अपना एक कंफर्ट जोन पकड़ लिया, और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने में, देखो कंफर्ट जोन ना आसानी से नहीं छूटता, कंफर्ट जोन के लिए एफर्ट लगते हैं, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं कि भाई हमें खुद के शरीर को ना तकलीफ़ देनी पड़ती है कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, खुद को तकलीफ़ देनी पड़ती है तब जाके वो कंफर्ट जोन छूटते हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन है ही कंफर्ट जोन इसलिए क्योंकि वहाँ पर आराम है, ठीक है, और उससे बाहर निकलना मतलब कि वो आराम नहीं है भाई, वो आराम आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, मे भी शायद पुरानी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, पुरानी अपनी एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं, जो इनकी पहले एनर्जी रहा करती थी। अभी हाल फिलहाल इनका कॉन्फिडेंस लो दिखाई देता है, अभी हाल फिलहाल एक लो एनर्जी में दिखाई देते, बट कहीं ना कहीं इनको याद आते हैं अपनी वो पुरानी वाली एनर्जी जिसमें ये
जिसको ये फिर से जीना चाहते हैं या फिर उस एनर्जी में फिर से जाना चाहते हैं जहाँ ये लाइक बहुत कॉन्फिडेंस में रहा करते थे हर चीज़ को लेकर के। एंड उस कॉन्फिडेंस की वजह से ना इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती थी। अट्रैक्शन जब इंसान कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना, कोई भी आप देखो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, उसकी पर्सनालिटी अलग ही लगेगी, वो अलग से ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो वो चीज़ दिखाई देती कि अपनी पहले वाली एनर्जी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अभी ये अपनी खुद की एनर्जीज के साथ खुश नहीं है, इनको लग रहा है कि ये अपनी जो रियल एनर्जी उसको कहीं खो रहे हैं। हम कहते हैं ना, कई बार हम हमारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हम कई बार ना जैसे हम हैं वैसे नहीं रहते, कुछ और ही बन जाते हैं लाइफ के जो भी पड़ाव है उनके साथ साथ। तो वही दिखाई देता है यहाँ पर, है जैमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। लेट्स सी, नेक्स्ट एनर्जी है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को सिक्स ऑफ वॉन्स, टू ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी। देखो एक टाइम ऐसा भी रहा है इस रिलेशनशिप का जहाँ ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहा है, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। एक टाइम ऐसा भी रहा है इस रिलेशनशिप का जहाँ पर आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक रहा, आपने उनको प्यार दिया, उधर से भी प्यार मिला, ये रिश्ता बैलेंस में रहा है, इक्वल गिव एंड टेक रहा है, एनर्जी एक्सचेंज रहा है, कि सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से रिश्ता चला है। आपने भी खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और उन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस किया। एक टाइम पर ये रिलेशनशिप ऐसा रहा है जहाँ ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता था, सोलमेट कनेक्शन के जैसे लगता था, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आए, ईगो के इश्यूज़ भी आए, ईगो क्लैशेस हुए, बातों को छुपाना शुरू हुआ, मैनुपलेट करना शुरू हुआ। सो वो सारी जो चीज़ें आई ना इस रिलेशनशिप में, वो ऑप्शंस आ जाना, वो चीट करना, तो वो सारी चीज़ों ने इस रिलेशनशिप को लाइक जैसे जैसे वो कार्मिक चीज़ें आई वैसे वैसे चीज़ें बहुत ख़राब हुई। बट ये रिलेशनशिप शुरू में बहुत खूबसूरत था, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत ट्रिगर करती है, या फिर ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत सवाल उठाती है कि इसको इतना प्यार था मेरे से, अब सडनली इसको क्या हो गया, ये मुझसे इतना प्यार करता था या करती थी, इतने अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज होता था हम दोनों के बीच में, सडनली ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन जो है मेरे से बात नहीं कर रहा है, सडनली ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों के बीच में वो बॉन्ड नहीं बचा जो पहले हुआ करता था। सो वो सारी चीज़ें, तो सडनली हुआ कुछ नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे करके हुई हैं, बट वही है कि धीरे धीरे में हम इतना ध्यान नहीं देते, फिर हमें लगता है कि अब सडनली सब बिखर गया जब वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक टाइम पर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। कभी कभी ये भी होता होगा कि ये पर्सन कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार जताता है आपको, और कभी कभी बहुत ईगो दिखाता है आपको, ये भी रहा होगा कि लाइक कभी कभी तो बहुत कोल्ड सा बिहेवियर आता है, बहुत ईगो दिखाते हैं, और कभी कभी कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं। एंड अभी मुझे करंटली दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सफल बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को पहले के जैसे बनाना चाहते हैं, वही इक्वल गिव एंड टेक लेकर के आना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, ये पर्सन आपको मनाएंगे, मुझे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आएंगे आपको मनाएंगे इस रिश्ते के लिए, कि चीज़ें पहले जैसे हो जाए उसके लिए एफर्ट डालते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनुराशि। बट यस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मजिशियन एनर्जी। मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, करेंटली क्या एनर्जी है इस पर्सन की। पेज ऑफ सोर्ड्स,
देखो मैजिशियन एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये पर्सन ना काफ़ी, मतलब मुझे लगता है आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं कि वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। आपके पर्सन को हमेशा से यही लगता है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा समझ है। हर चीज़ को अपने तरीके से चलाना, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाली हैबिट मे बी इस पर्सन के अंदर रही है। एंड ये भी हो सकता है कि यस, इस पर्सन के पास विजडम बहुत है, ये पर्सन सच में ही बहुत समझदार है। लेकिन कहते हैं ना कि ठीक है, समझदार तो ठीक है, लेकिन कभी कभी सामने वाले की सुन लेना भी अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम हम सही हैं। तो ठीक है, समझदार है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट कभी कभी ना वो चीज़ ईगो में बदल जाती है इनकी, वो समझ, और वो ऐसे शो होती है कि नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही है कि एक इंसान कॉन्फिडेंट है अपनी अपनी इंटेलिजेंसी को लेकर के, एक है कि वो घमंड कर रहा है। देखो, एक तो इंसान ये है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, और एक ये है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ये इतना सा फ़र्क है चीज़ों में कि इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी, या उसको कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, तो वो ये बोलेगा कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, और जब वही कॉन्फिडेंस ईगो में बदल जाता है, तो फिर वो इंसान ये कहता है, ये कहता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है कि इनके अंदर ना वो चीज़ ईगो भी आता है यहाँ पर, कि मैं ही होशियार हूँ, तुम नहीं हो, तो वो चीज़ ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं काफ़ी। इस हिसाब से काफ़ी कंट्रोल ये आपको करते रहे हैं पास्ट में, कि इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है, कि भाई जो मैं चाह रहा हूँ ना वैसे तुम करोगे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तुम करोगे। तो ये एनर्जी इनके पास्ट में रही है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, प्रेजेंट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, एंड यहाँ पर पेज की एनर्जी है। अब थोड़ा सा जो है ये खुद को, लाइक इनको भी लग रहा है कि अभी मेरी होशियारी कोई काम नहीं आ रही। मतलब पहले ना ये माइंड लगाते थे अपना, और चीज़ों को अपने तरीके से क्रिएट कर लेते थे, क्योंकि ये मजिशन एनर्जी है, राइट? तो पहले क्या था कि दिमाग लगाया और अपने तरीके से चीज़ों को क्रिएट किया, वो माइंड गेम्स खेले, वो मैनिपुलेशन की, क्योंकि इसके पास वाटर है, इसके पास सॉरी इसके पास कप है, स्वॉर्ड है, पेंटिकल है, वॉन्ड है, सब कुछ है इसके पास, मैनिपुलेट करने वाली पावर भी है इसके पास, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं इसके पास, हर चीज़, पैसा भी है, या पैसा कैसे ला सकते हैं वो भी, मतलब हर चीज़ है, मजिशन के पास सब कुछ है, ये भाई सब कुछ कर सकता है। तो इनके पास थी भाई वो पावर, लेकिन अभी करंटली ये खुद को पावरलेस फील कर रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं है मेरे पास उतने पावर। ठीक है, अभी ये थोड़ा खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्पाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्पाई इसलिए भी कर रहे हैं, पहली चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है ये आपके बारे में जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि क्या फिर से कोई मौका मिल सकता है कि आपको कंट्रोल कर ले पहले के जैसे। ठीक है, तो वो दिखाई देता है, तो लाइक अभी भी थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, बट इतना मुझे नहीं दिख रहा कि अभी कुछ होगा। वेट, सो मजिशियन एनर्जी है यहाँ पर, और एनर्जी यहाँ पर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, ये मुझे दिखाई देता है। और अगर मैं मजिशियन के साथ जाऊँ तो ऑल साइन है। वैसे मैं यहाँ पर साइन बेस्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ गाइस, आप एनर्जी देखें, ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वंड्स, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि पास्ट में मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन आपको कुछ ऐसे ही कंडीशन में छोड़ करके गए हैं, पछताते हुए, या लाइक कि पछताते नहीं, तड़पते हुए। ठीक है, वो वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में छोड़ के गए जहाँ आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, एक इमोशनल ब्रेकडाउन से आप गुजरे, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताते कि इमोशनल ब्रेकडाउन को बताते, जहाँ इंसान बहुत अकेला पड़ गया, जहाँ उससे लाइक उसने चीज़ों के वो चीज़ों के पीछे बहुत भागा, लेकिन भागने पर भी कुछ नहीं मिला, वो कप्स गिर गए। उसने बहुत कोशिश की कि कप्स ना गिरे, उसने बहुत कोशिश की कि वो चीज़ों को बेटर कर ले, उसने बहुत चीज़ों के पीछे भागा या भागी, लेकिन वो नहीं हो पाया जैसा उसने सोचा, वैसे नहीं हो पाया, आखिर में वो हेल्पलेस हो गया, आखिर में वो ऐसी एनर्जी में चला गया जहाँ वो बस
परेशान है, रो रहा है, दुखी है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में, लाइफ क्या बता रही है, लाइफ क्या करना चाह रही है। सो एक इमोशनल ब्रेकडाउन से आप गुजरे हो और एक डिप्रेसिव एनर्जी से आप गुजरे हो जहाँ आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। एक होता है ना इंसान हेल्पलेस महसूस करता है, बिल्कुल वैसे एक डार्क एनर्जी में आप गए, एक नेगेटिव एनर्जी में आप गए जहाँ आपको समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके सो ये मुझे दिखाई देता है, मतलब आप इस पर्सन के बहुत एफर्ट डाले, कोशिश बहुत की, लेकिन और तो और ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन के लिए आपने और जो आपको प्रपोजल्स आए थे ना अच्छे अच्छे आपने वो भी छोड़ दिए, आपने उनको भी इग्नोर कर दिया जो कि अच्छे अच्छे प्रपोजल्स थे सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, वो भी तड़पते परेशान होते रोते वहाँ का वहाँ छोड़ दिया। ये मुझे दिखाई देता है। बात यहाँ पर ये है कि उस पर्सन की कोई मजबूरी नहीं थी, आपके जो पार्टनर है उनकी कोई मजबूरी नहीं थी आपको छोड़ने के पीछे, कि उन्हों की उनकी कोई मजबूरी थी कि भाई इसलिए उन्होंने छोड़ा, कि भाई उनकी भी मजबूरी थी कि वो भी बेचारे स्टक थे, नहीं उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने छोड़ा। तो वो चीज़ दिखाई देते हैं यहाँ पर कि इतनी खास कोई मजबूरी नहीं थी कि वो छोड़े। ठीक है, यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है, करंटली जो पर्सन आपको छोड़ के गया ऐसे हालातों में, वो पर्सन अब कोई ना कोई बहाना लेके आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसको यहाँ पर खुशियाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो आपको इस कंडीशन में छोड़ के गया, अब वो पर्सन कोई ना कोई बहाना लेके आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, आपके साथ फिर से कॉन्टेक्ट में आना चाहता है, क्योंकि अभी वो परेशान है, अभी उसको मन नहीं लग रहा या उसको अब बेचैन नहीं पड़ रहा, वो बेचैन है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सुकून के लिए आपकी तरफ पढ़ना चाह रहा है। तो यहाँ पर मुझे बताता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि आपके पर्सन ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बहाना मिले कि जिससे वो आपकी तरफ आ जाए इजीली और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए बहुत इजीली। ठीक है, तो ऐसा दिखाई देता है। सो ये कुछ एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ऑल राइट, सो यार थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।